शहर में अमन व खुशहाली की कामना लिए 16वीं बार शिवनाथ बोलबम समिति के कांवड़िए जल चढ़ाने बाबा धाम के लिए दुर्ग से हुए रवाना। सावन मास में होने वाले कांवड़ यात्रा के तहत विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में पद यात्रा कर गंगा जल चढ़ाने रविवार की सुबह बड़ी संख्या में शिवनाथ बोलबम कांवरिया समिति के शिव भक्त कांवरिया देश प्रदेश में अमन खुशहाली की कामना लिए साउथ बिहार एक्सप्रेस से बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इसी कड़ी में नगर निगम के पूर्व सभापति व शिवनाथ बोलबम समिति के संयोजक दिनेश देवांगन के नेतृत्व में बाबा धाम जाने वाले 55 से अधिक बाबा भक्तों का चंडी शीतला भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर, महामंत्री विजय ताम्रकर, मंत्री शैलेंद्र राजपूत सहित पदाधिकारियों ने स्वागत कर यात्रा की शुभकामना दी। इस दौरान समूचा स्टेशन परिसर बोलबम के नारों से गूंजता रहा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी संकट के चलते विगत 2 वर्ष से बाबा धाम यात्रा बंद थी, किंतु इस वर्ष यात्रा चालू होने से कांवरियों में उत्साह नजर आया और इसका उदाहरण आज रेलवे स्टेशन में भी नजर आया, जहां सभी बोलबम के नारे लगाकर उत्साह वर्धन करते रहे। इस संबंध में समिति के संयोजक दिनेश देवांगन ने कहा कि कांवर यात्रा के तहत ये समिति का 16वां वर्ष है। कोविड-19 के प्रकोप के चलते 2 वर्ष बाबा धाम नहीं जा पाने से सभी में निराशा थी, लेकिन इस वर्ष प्रत्येक भक्त उत्साहित होकर निकला है। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम, जहाँ पर पूरे देश और दुनिया के लोग सावन मास में गंगा जल चढ़ाने जाते हैं, हमारे दुर्ग के शिवनाथ बोलबम समिति द्वारा बाबा धाम की यात्रा के लिए आज हम सब करीब 65 लोगों का जत्था रवाना हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सब बाबा की कृपा से बाबा के दर्शन करके जल अर्पण करके वापस आएंगे और दुर्ग शहर की खुशहाली की कामना करते हुए हम ये यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। बोलबम 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 बोलबम। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।